इस वीडियो की टॉपिक है एसी चल रहा है लेकिन ठंडा नहीं हो रहा। तो आप इस वीडियो को देखकर बगैर टेक्नीशियंस यानी कि बिना किसी टेक्नीशियंस की मदद से और बिना किसी टूल से आप ये चेक कर सकोगे कि आपके एसी में गैस की लेवल कितना है, गैस है या फिर नहीं है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आप भी अपने एसी की कूलिंग नहीं हो रहा है ऐसे प्रॉब्लम को गैस है या फिर नहीं तो चेक कर सकोगे। तो उसके लिए हमें इंडोर यूनिट को स्टार्ट करने के बाद हमें आउटडोर यूनिट के पास चलकर चेक करना होता है। तो चलिए हम आउटडोर यूनिट के पास चलते हैं। तो फिर हम एसी के आउटडोर यूनिट के पास आ चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आउटडोर यूनिट चल रहा है फिर भी इंडोर क्यों ठंडा नहीं कर रहा है। चलिए काफ़ी सिंपल तरीके से पहचानते हैं। तो आउटडोर यूनिट को इस तरीके से हाथ से छू कर देखें क्या इसमें एक वाइब्रेशन आ रहा था, यानी कि वाइब्रेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये वाइब्रेशन नहीं कर रहा है तो इसका कंप्रेसर नहीं चल रहा होगा। अगर ये वाइब्रेशन कर रहा है तो आप इस साइड चेक करेंगे इसके पाइप को। ये जो पाइप देख पा रहे हैं दो पीस पाइप होता है, इन दोनों पाइप को ध्यान से देखिए, छू कर देखिए क्या ये ठंडा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है यानी कि आपकी एसी की गैस लीक हो चुका है, और अगर इसमें आइस आ रही है आपके वाले एसी के पाइप में, तो ये समझना कि आपके एसी का पंखा चल रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है और पाइप के साइड पे आइस आ रही है, यानी कि आपके एसी में जो गैस है वो कम से कम 20-25% कम हो चुका है। तरीके से आउटडोर यूनिट को चेक करना है, उसकी पाइपलाइन में अगर आइस आ रही है तो ये समझना कि आपके एसी में से 20-25% गैस कम हो चुका है, और आइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पाइप बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा और छूने पर वाइब्रेशन आ रहा है, यानी कि आपके एसी की आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर चल रहा है लेकिन उसमें गैस लीक हो चुका है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो अपने घर पर बिना किसी टूल्स के आपके एसी में गैस है या नहीं। पता लगाने का काफ़ी सिंपल और आसान तरीके इस वीडियो में मैंने दिखाए हैं।